गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं वाले बच्चे, सिटी हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जो भी मैं हिंदी सब्जेक्ट के भीतर आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और कॉपी में जहाँ जहाँ नोट करने वाले कोई मुद्दे, कोई शब्द ऐसा हो, शब्दार्थ हो, तो आप लिख रहे होंगे। वैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि भाई ये शब्द लिखो, ये नोट करो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में उसको नोट करोगे। अब यहाँ पर हमारा ये जो लेसन चल रहा है बच्चों, काव्य है, आत्मकथ्यक काव्य उसका शीर्षक, और यहाँ पे जो लिखने वाले यहाँ पे हैं वो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का परिचय हमने आगे वाले वीडियो में किया है, उसमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि ये जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जन्म कौन सी साल में हुआ, ठीक है ना, तो किस प्रकार से यहाँ पे उनके जीवन में कौन कौन सी, तो यहाँ पे 1889 जो है, मतलब 1889 1889 में यहाँ पे इनका जन्म हुआ वाराणसी में, और काशी के प्रसिद्ध कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, और यहाँ पे 1900 और उनका जो निर्धन है यहाँ पे, तो उनका निर्धन यहाँ पे 1937 में होता है। तो ये मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था आपकी कॉपी में, और नोट कीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे उनकी कृतियाँ के बारे में हमने देखा, यहाँ पे उनके नाटकों की चर्चा की, यहाँ पे कहानी संग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे उनके जो लेखन प्रवृत्ति है, वो लेखन प्रवृत्ति किस प्रकार की है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ बच्चों की, जैसे कि यहाँ पर ये जो है वो मेरे पास, एक बात मैं पहले ही इस वीडियो में क्लियर कर दूँ कि मेरे पास ये जो है ये किताब नहीं है, लेकिन किताब का ये जो है वो मैंने कॉपी निकलवा ली है एक एक पन्ने की, क्योंकि उसमें क्या आपको थोड़ा स्पष्ट और ये जो वाक्य रचनाएं हैं थोड़ी सी बड़ी दिखें, तो मेरे हर एक जो होगा यहाँ पे काव्य पाठ हम जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या आपको थोड़ा अलग, यानी कि बड़े अक्षर आपको दिखाई देंगे, ताकि क्या मतलब वीडियो में आप स्पष्ट रूप से उसको देख पाओ, इसके लिए। ठीक है, वरना किसी के मन में प्रश्न होगा कि हमारी किताब में तो ऐसा है और वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे, और किताब में क्या कभी कभी कुछ एक जगहों पे ऐसे शब्द जो है वो थोड़ी छपाई में थोड़ी सी दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ है, इसके लिए मैंने क्या इसकी प्रिंट निकलवा ली है हर एक काव्य और पाठ की, इसके लिए थोड़े से ये शब्द अक्षर आपको जो है वो बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो साहित्यकार का परिचय कर रहे थे, तो साहित्यकार का परिचय हमारा हो गया था। इसके साथ साथ अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को लेकर दूसरे जो साहित्यकार है जैसे प्रेमचंद है वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी के इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। आप समझ में आया बच्चों कि ये कविता कहाँ से, इस कविता का जन्म हुआ, कविता का जन्म इस प्रकार से होता है कि जिस तरह से प्रेमचंद जो है वो, प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो प्रेमचंद की जो संपादक, उन्होंने जो वो संपादक थे एक पत्रिका जिसका नाम है हंस पत्रिका, और उसमें उनका ये आत्मकथा, जैसे कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना आत्मकथ्य काव्य, ये आत्मकथ्य काव्य प्रेमचंद की हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये आत्मकथ्य काव्य का जन्म किस प्रकार से होता है कि यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद है, ये जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे उन्होंने जयशंकर प्रसाद को बहुत ही, मतलब उनको बहुत ही गंभीरता से कहा कि आप कुछ लिखिए, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, आप अपनी कथा, आत्मकथा लिखिए। और जयशंकर प्रसाद यहाँ पे अपने मित्रों की बातों को सहमति देते हुए अपने तर्क के द्वारा उन्होंने ये आत्मकथ्य नामक काव्य लिखा। आत्मकथ्य यानी अपने खुद के जीवन से जुड़ी हुई बातें, अपने आत्मा अर्थात अपने मन का विश्लेषण करके लिखने वाली बातें। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। हंस के आत्मकथा यानी ये मैंने आपको आगे बताया ना कि प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के हंस नामक पत्रिका थी। इस पत्रिका में यहाँ पे ये 1932 में पहली बार छापा गया। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है।
ये कविता जो है बच्चे धीरे धीरे हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छायावादी यानी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई भी ये कविता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला, इन सब का नाम आएगा तो वहाँ पे छायावाद होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये छायावाद के, प्रकृति के साथ जुड़ने वाले एक सक्षम कवि हैं। छायावाद की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे इन चारों कवियों के नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने भी छायावाद के एक क्षेत्र में अपने यथार्थ यानी वास्तविकता को और अभाव के पक्ष को उन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से व्यवस्थित ढंग से हमें समझाने का प्रयास किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे छायावाद की जो सूक्ष्मता है, छायावाद क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, इंसान के अंतरात्मा क्या होती है, इंसान की अंतरात्मा किस प्रकार से जागृत होती है, ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही, जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सुंदर और नए नए शब्दों के बिंबों के द्वारा प्रस्तुत की है इस यहाँ पे कविता में। इन्हें शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाहवाही करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता। अर्थात यहाँ पे ये काव्य का सारांश जो है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये छापा गया है, ये लिखा गया है बच्चों इस पंक्तियों में कि जयशंकर प्रसाद ने अपने मित्रों के कहने पर यह काव्य लिखा, अपने जीवन के बारे में आत्मकथा। उन्होंने इस काव्य में सारांश ऐसा है कि उनका ये कहना है कि अगर मैं ये काव्य लिख रहा हूँ तो इस काव्य में मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लिख रहा हूँ। एक आम इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ महान नहीं होता, कोई ऐसा कुछ रोचक नहीं होता। अगर होता भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन के साथ जुड़ा है, हमारे जीवन के साथ नहीं। और मैं एक आम इंसान हूँ, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कवि भी एक इंसान होता है, उसकी भी कोई भावनाएं होती है जो बिल्कुल ही यहाँ पे एक आम इंसान की तरह व्यक्त होता है। उन्होंने एक बात इस काव्य में बताई है, यथार्थ, यथार्थ यानी वास्तविकता। जो इंसान अपने जीवन की वास्तविक धरातल को स्वीकार करता है वही इंसान जीवन को निरुत्साही नहीं होने देता, उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है। ये काव्य में भी इसी बात को बताया गया है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि वो भी एक आम इंसान है। कवि होने के साथ साथ वो एक आम इंसान अपने आप को कहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कवि अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने अपने जीवन के अभावों, बुरी परिस्थितियों को देखा है, उसको सहा है, उसको जिया है, मैं भी एक आम इंसान हूँ। अगर मैं, कोई मुझे कहेगा कि तू अपने आत्मजीवन के बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में, अपने मनोविश्लेषणात्मक के बारे में तू लिख, अगर मैं लिख लेता हूँ और तो उससे क्या फ़ायदा होगा? क्यों? क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख होता है, मेरे जीवन में भी दुख है। मैं उसको जिताऊँगा, दिखाऊँगा, शब्दों के माध्यम से बोलूँगा, सामने वाले इंसान क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, किसी को अच्छा लगा तो वाहवाही करेंगे, किसी को नहीं अच्छा लगा तो वो चुप रहेंगे, और किसी को उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो वो उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे। तो मेरे बताने ना बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर बता भी दिया तो भी क्या हो गया? हो सकता है कि कभी कभी ज़्यादातर कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के जीवन के दुख दर्द से कोई लेना देना ना हो, तो मैं अपनी आत्मकथा के बारे में क्यों लिखूं? ऐसा कौन कहता है? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ये काव्य का क्षार मैंने आपको बताया कि कविता में कवि सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, वो उनके मित्र के कहने पर उन्होंने ये आत्मकथ्य काव्य लिखा। और उसमें उन्होंने बताया कि कवि भी एक विनम्र भाषा में बताया कि कवि भी एक आम इंसान होता है, वो कोई महान या रोचक उनके जीवन में, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन उससे दूसरे इंसान का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे इंसान जितना जल्दी वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको काव्य का भावार्थ बताया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम काव्य की किस प्रकार की शैली होती है, काव्य किस प्रकार से लिखा गया है, बहुत सुंदर सा काव्य है, उसकी एक एक पंक्ति को धीमी धीमी मंद गति से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको काव्य के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ लिखकर मैं आपको उसका परिचय करवा देती हूँ, ताकि आपके पास उसका एक मटीरियल पहुँच जाए। थैंक यू।